चारों वेदों का उपजीव्य नाट्य वेद यजुर्वेद से अभिनय पार्ट 3। यजुर्वेद से यज्ञों का विधान है। युज शब्द का अर्थ पूजा एवं यज्ञ है। जिस प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों का प्रधान विषय देवताओं का आवाहन करना और सामवेद का प्रधान विषय साम गान करना है, उसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों का प्रधान विषय यज्ञ विधियों को संपन्न करना है। ये यज्ञ अनेक प्रकार के हैं। इन यज्ञों का विधान देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया गया है। देवता प्रसन्न होकर सब वृष्टि करते हैं, जिससे धन धान्य की उत्पत्ति और पूजा की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की शुभकामना करते हुए एक ऋचा में कहा गया है, हे पितृ देवो नमस्कार, तुम्हारी कृपा से समस्त ऋतुएँ राष्ट्र को सुखी करें। हे पितरो नमस्कार, तुम्हारी कृपा से राष्ट्र को ग्रीष्म ऋतु अनुकूल हो। राष्ट्र की समृद्धि के अतिरिक्त यज्ञ के कलाओं की उत्पत्ति भी बताई गई है। अभिनय भी एक कला है, जिसका एकमात्र उद्गम स्रोत यजुर्वेद है। ऋग्वेद के संवाद सूक्तों की चर्चा में अभिनय का उल्लेख किया गया है। यज्ञों के अवसर पर ऋत्विक देवताओं के आह्वान के लिए उनका अभिनय करते थे। इस प्रकार विभिन्न धार्मिक उत्सवों के समय नाट्य गान और अभिनय के माध्यम से दैवी रहस्यों को पार्थिव रूप से प्रस्तुत किया जाता था। यजुर्वेद की ऋचाओं के अनुष्ठान तथा इसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों के विधि विधान वर्णित हैं। यज्ञों एवं धार्मिक अनुष्ठानों की क्रियाएं हाथों एवं अन्य आंगिक संकेतों द्वारा संपन्न किए जाने का विधान है। इन क्रियाओं में मूक भावों एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यजुर्वेद की ऋचाओं के इन भावनात्मक एवं आंगिक संकेतों तथा हाव भावों के आधार पर अभिनय के विभिन्न रूपों का विकास हुआ। उनका आधार तो शास्त्रीय रहा, किंतु लोक परंपरा के संपर्क के कारण उनमें नई चेतना का समावेश होता गया। यजुर्वेद की अनुष्ठान विधियों का विकास सूत्र ग्रंथों में देखने को मिलता है। गृह सूत्र उनमें प्रमुख है। इन गृह सूत्रों में मूक भावों एवं हस्तक्रियाओं के संकेत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। धार्मिक अनुष्ठानों को संपादित करते समय मौन मंत्रोच्चारण के साथ इन क्रियाओं को संपन्न किए जाने का नियम है। नाट्यवेद के लिए यजुर्वेद के अभिनय सामग्री के संग्रह का आधार यज्ञ विधियों के समय निष्पन्न यही मूक भावात्मक प्रक्रियाएं तथा आंगिक संकेत रहे हैं। वैदिक कर्मानुष्ठानों को निष्पादित करने वाली यजुर्वेद की बहुसंख्य ऋचाओं में अभिनय कला के सभी तत्व विद्यमान हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने नाट्यवेद के लिए जिनका सार संकलन किया और परवर्ती नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों के लिए उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई। ये है नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति में यजुर्वेद का योगदान। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट फॉर लास्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ नाट्यवेद।